हेलो गाइस, मैं अजय आर्य है आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ रामानुजन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हो बेटा, हमारा टॉपिक चला हुआ है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, और पिछली वीडियो में बेटा मैंने आपको टाइप 4 और टाइप 5 कंप्लीट कराई थी। तो आज इस वीडियो में बेटा मैं आपके लिए टाइप 5 के कुछ और नए पॉइंट लेके आया हूँ, और साथ ही टाइप 6 और 7 को कम्प्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटा अपने टाइप की। आपके सामने बेटा मैंने टाइप 5 का ए पार्ट का क्वेश्चन दिया बेटा, मैंने पिछली वीडियो में से कंप्लीट भी कराया था। एक बार देखते हैं इसको, ये कॉलम 1 है बेटा, ये कॉलम 2। कॉलम 1 में बेटा वर्ड्स गिवन है, और कॉलम 2 में उन सभी के कोड गिवन है, और इधर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 नीचे हिंदी में भी लिखी हुई स्टेटमेंट ठीक है, फिर मैंने डायरेक्ट क्या दिया है क्वेश्चन 2 जैसी स्टेटमेंट है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, मैंने डायरेक्ट आपके लिए वर्ड लिख के दे दिए ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, और जिस बच्चे ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखें ठीक है, तभी समझ में आएगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैंने आपसे पूछा बेटा तो स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, हाँ भाई कैसे इसको सॉल्व करना शुरू करें। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे कॉमनली, हाँ बेटा कैसे सोल्व करेंगे कॉमन लेके सोल्व करेंगे बेटा। तो ये मान लेता हूं मैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 है ठीक है। मैंने क्या कहा था बेटा, मान लिया ये माइंड टू माइंड के अंदर कितने लेटर है, 4 लेटर्स है, तो इसके सामने जो कोड रखा है उसमें भी कितने लेटर है बेटा, 4 ही है। तो मैं कह सकता हूँ सिंगल लेटर के लिए सिंगल लेटर का ही कोड है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि M का कोड क्या होगा, तो M का कोड क्या होगा बेटा, क्या क्यों होगा क्या, हाँ भाई क्या M का कोड क्यों होगा क्या भाई, पॉइंट समथिंग पॉसिबिलिटी है कि वो हो बाय चांस, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता बेटा M फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसके कोड में जो फर्स्ट पोजीशन पे जो लेटर आया वही M का कोड हो जाए बेटा, ऐसा कभी भी भूल के मत कर, मैं आपको बता चुका हूं। हाँ M का कोड इन्हीं में से बच रहा हूं इसे, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं बता सकते। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कॉमन लेके चीजों को सॉल्व करेंगे। तो मैं देखता हूं बेटा M कॉमन है क्या, देखना सभी, हाँ भाई M कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है बेटा, इक्वेशन 1 और 3 में M कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 3 के कोड देखूंगा बेटा, इक्वेशन 1 और 3 के कोड देखूंगा, देखना कोड में बेटा एक लेटर पक्का कॉमन मिलेगा, दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको, देख रहे हैं क्यों क्यों दोनों में है, तो आपका M का कोड क्या हो गया बेटा Q। इसको क्या करेंगे अलग से साइड में लिख लेंगे किसी भी कॉर्नर ठीक है। देखना बेटा I, I है क्या, बिल्कुल है बेटा, फर्स्ट फोर और फाइव, एक चार पांच में देखो बेटा, इक्वेशन एक चार पांच के कोड में देखो एक लेटर कॉमन मिलेगा, तो क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको, देखना M कॉमन है क्या, इसमें है इसमें भी है, तो मतलब क्या हो गया M2 भी 2 में भी है, और हमें क्या चाहिए I, 1 में 4 में और 5 में है, तो M2 भी 4 में है लेकिन नहीं हो सकता। T देखना इसमें भी है इसमें भी है, बाकी कहीं और है नहीं, तो आंसर क्या हो गया, मतलब I का कोड T हो गया, तो I का कोड क्या हो गया बेटा T हो गया। देखना बेटा N, N देखना किस किस में है, 1 2 3 4, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और सॉरी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में है बेटा n हमारा, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में क्या है आपको दिख रहा है m है, तो बेटा n का कोड क्या हो गया m हो गया ठीक है। देखना बेटा d कॉमन है क्या, बिल्कुल है बेटा, फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में देखो क्या बचा हुआ है F बचा हुआ है, तो भाई D का कोड क्या हो गया बेटा F हो गया है, D का कोड क्या हो गया है F हो गया बेटा, सब बस N कैंसिल हो गया बेटा, देखना O, O किस किस में है, सेकंड और थर्ड में है, तो सेकंड और थर्ड में क्या चीज कॉमन है दिख रहा है हमें, L भी है, L भी है और P भी है, तो P इधर भी आया है, तो मतलब क्या होगा L होगा ठीक है। तो भाई O का कोड क्या हो गया बेटा एल हो गया ठीक है। देखना बेटा टी कॉमन है क्या,
हमें सेकंड थर्ड और लास्ट, सेकंड थर्ड और फिफ्थ में देखना बेटा एक लेटर कॉमन मिलेगा। कौन सा लेटर है सेकंड में बचा हुआ हमारे लिए? पी बचा हुआ है सेकंड में, थर्ड में और फिफ्थ में, तो पी तीनों में है, तो टी का कोड क्या हो गया बेटा? पी। देखना बेटा ई, ई कहीं पर कॉमन है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे ई को छोड़ देंगे। टी कैंसिल हो गया, ओ भी कैंसिल हो गया, एम भी कैंसिल हो गया। अब बी देखना बेटा, बी कहीं कॉमन है क्या? नहीं है, तो उसको भी क्या करेंगे, स्किप कर, मतलब उसको भी छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। देखना बेटा डी कैंसिल हो गया, आर आर है कहीं पर? आर भी नहीं है, ठीक है तो छोड़ देंगे उसको, आगे बढ़े फिर ए। देखना ए फोर्थ और फिफ्थ में है, फोर्थ और फिफ्थ में क्या दिख रहा है आपको? एस दिख रहा है, तो ए का कोड क्या हो गया? एस हो गया। आई भी कैंसिल हो गया, एन भी कैंसिल हो गया, इधर ये सारे कैंसिल हो गए, एफ बचता है। देखना एफ कहीं कॉमन है? नहीं है। तो मैंने आपको बताया था बेटा पिछली वीडियो में कि बच्चे के लेटर का कोड क्या होगा बेटा, बच्चा ही लेटर ही कोड होगा। यहाँ पर ई बचा हुआ, तो इसके कोड में बेटा कोई ना कोई लेटर बचा हुआ होगा, तो वही क्या हो जाएगा, ई का कोड हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा बेटा, बच्चे भी लेटर का कोड क्या होगा? बचा हुआ ही लेटर कोड होगा। तो यहाँ पर ई बचा, इसके कोड में कोई ना कोई लेटर बचेगा, तो सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन के कोड में देखो क्या बचा हुआ, ए, तो ए का कोड क्या हो गया बेटा? ए हो गया। यहाँ पे बी बचा हुआ है, तो बी के लिए क्या बचा हुआ है इसके कोड में बेटा? बी बचा हुआ है। यहाँ पर आर बचा हुआ है, तो आर का कोड क्या हो गया बेटा? क्या बचा हुआ है? यहाँ पे डी बचा हुआ है। हमें यहाँ पर एफ बचा हुआ है, तो एफ के लिए क्या बचा हुआ है? बी बचा हुआ है, ठीक है, डन। तो हमने सभी लेटर्स के कोड बेटा फाइंड कर लिए। अब वो किसी भी सिंगल का पूछे, किसी भी सिंगल लेटर का कोड पूछे, कोई भी इन लेटर्स से कोई भी वर्ड बना दे उनका भी कोड पूछे तो हम बता देंगे, ठीक है। तो अब इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा बेटा इसके कि टी का कोड क्या है, तो मुझे बताइए टी का कोड क्या है? पी आया है, तो टी का कोड क्या हो गया बेटा? पी हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बी में क्या है बेटा? ब्राइट का कोड पूछा है, क्या पूछा है? ब्राइट का कोड, तो क्या करेंगे? मुझे पता है ब्राइट इन्हीं लेटर्स से बना हुआ है और इन सभी लेटर्स के कोड मुझे पता है, फाइंड कर लिया मैंने, तो बी का कोड क्या आया है हमारे बेटा? ये रहा बी, बी का कोड क्या है? बी, तो ही क्या करेंगे, बी के नीचे बी रख देंगे। आर का देखें बेटा, आर, आर ये रहा बेटा आर, आर का कोड क्या है? डी, तो डी रख देंगे। आई, आई का देखें बेटा आई, ये रहा आई, आई का कोड क्या है? टी, टी रख देंगे। टी देखें बेटा टी, टी का कोड क्या है? पी, तो पी रख देंगे बेटा। ई देखें बेटा ई, ई का कोड क्या है? ये रहा हम ई, ई का कोड क्या है बेटा? ए, तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, या तो आपको आंसर सेम सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है, अगर सेम सीक्वेंस में मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर वो सीक्वेंस में ना मिले तो क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन देखेंगे, ऐसा ऑप्शन में फाइंड करेंगे कि वो मतलब वो सारे के सारे लेटर वो सेम लेटर होने चाहिए, सारे के सारे लेटर की पोजीशन क्या हो, रैंडमली हो, ठीक है, या अल्टरनेट में हो, कैसे भी हो, लेकिन उस ऑप्शन के अंदर ये सारे के सारे लेटर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। इसी प्रकार से मैं डेट्रॉइट का भी, रिमान का भी और मेरिन का कोड भी फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं डेट्रॉइट का निकालूंगा तो बेटा डी का कोड क्या है? हां भाई डी का कोड, ये रहा डी, डी का कोड क्या है बेटा? एफ, तो मैं एफ रख लूंगा, अलग से लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं, ठीक है। ई, ई का कोड क्या है बेटा? ई, सॉरी, ई का कोड बेटा ये रहा है, ई का कोड क्या है? ए। टी बेटा, टी का कोड क्या है? पी। आर, आर का कोड क्या है बेटा? आर का कोड ये रहा, आर, आर का कोड क्या है? डी। ओ बेटा, ओ, ओ का कोड क्या है? एल। आई, आई का कोड क्या है बेटा? टी। और टी का कोड क्या है? पी। तो ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। तो इन सभी लेटर का कोड हमें पता है,
तो सभी का हमें पता है, तो क्या करना, बस रखना ही है। ठीक है, तो हो जाएंगे सोल्व बेटे ये सारे के सारे। आपके सामने मैं दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इन दोनों के रिप्लाई आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके करने हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कई बच्चे इतने अच्छे कमेंट करते हैं। ठीक है, आपके कमेंट और लाइक्स को देखकर बेटा मेरा बार बार पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर रोज लगातार दो वीडियो दूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दोनों के आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करना है। ठीक है, तो बढ़ते बेटा टाइप 5 का ये पार्ट है, मैंने इसका नाम ए पार्ट दिया है। अब मैं इस टाइप 5 का बी पार्ट कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो बी पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा बेटा, फाइंड द कोड वर्ड फॉर वर्ड स्मार्ट, स्मार्ट का कोड क्या था। तो बेटा ये टाइप 5 का बी पार्ट है। ठीक है, पिछले मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, वो ए पार्ट के थे, तीनों सेम थे। ठीक है, तो अब टाइप 5 का बी पार्ट का क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा। ठीक है, और ये बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कॉलम 1 है ये और कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको पता है वर्ड्स मिलेंगे, कॉलम 2 में उनके कोड मिलेंगे। तो अब बताया, अब पूछा क्या है बेटा, तो अब क्या बताना है बेटा, स्मार्ट का कोड बताना है। क्या पूछा बेटा, स्मार्ट का कोड क्या होगा। तो भाई ये रहा स्मार्ट, स्मार्ट का कोड फाइंड करना है। तो मुझे ये बताइए बेटा कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे फाइंड करेंगे बेटा। मैंने आपको अभी बताया कॉमन लेके फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अब तक के जो मैंने पिछले 3-4 क्वेश्चन कराए ना, उनमें जो वर्ड्स होते थे ना, वो वर्ड बेटा यहां नहीं होते थे जो क्वेश्चन में पूछे जाते थे। क्वेश्चन में जो वर्ड पूछे जाते थे वो यहां पर कॉलम 1 में नहीं मिलते थे। ठीक है, लेकिन अब की बार जो स्मार्ट पूछा गया है वो कॉलम 1 में मौजूद है। ठीक है, वो कॉलम 1 में गिवन है। और ध्यान से देखोगे ना, जब आप कॉमन निकालोगे ना तो दिक्कत आएगी। चेक करो, एक बात बताओ मुझे, इस कैट के अंदर कितने लेटर है बेटा। 3 लेटर है ना, हम इस कैट के अंदर कितने लेटर है बेटा, 3 लेटर है ना। तो इसके सामने जो कोड लिखा उस कोड में कितने लेटर है बेटा, 4 लेटर है। कितने लेटर है बेटा, 4 लेटर है। जब कैट में 3 है, इसके कोड में 4 है, क्या इनका हिसाब किताब कुछ हो जाएगा, क्या इनमें इक्वल पार्ट्स में कुछ पैसा है, कुछ धन है, वो अमाउंट है, वो क्या मिल जाएगा। यहाँ पर बेटा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीपल में होना चाहिए, तो सेम या उसका मल्टीपल। यहाँ पर 3 लेटर है, इसके कोड में 4 लेटर है। मान लिया अगर 3 होते तो भाई सभी को सिंगल सिंगल मिल जाता, लेकिन एक बच गया आपके पास, तो बच गया ना एक। क्या आप इनको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, देखना फिर नेक्स्ट वर्ड दिया बेटा लाइफ, लाइफ में कितने लेटर है, 4 लेटर है बेटा। तो इसके कोड में कितने लेटर है, 3 लेटर है। मैंने आपको पिछले टाइम में पिछले वीडियो में बेटा एक बात बताई थी बेटा, ध्यान रखना इस बात पर, जब भी आप कॉमन हो ना तो देख लेना जो वर्ड है ना उस वर्ड के अंदर कितने लेटर है, उसके कोड में कितने लेटर है, क्या सेम है या उसका मल्टीपल है। तो सही बात है, अगर सेम लेटर है या उसका मल्टीपल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो ना तो सेम है ना ही उसका मल्टीपल है, तो फिर कैसे फाइंड करोगे बेटा। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर कॉमन वाली बात नहीं अप्लाई होगी, यहां पर कॉमन वाली बात अप्लाई नहीं होगी। तो फिर सोल्व कैसे करेंगे बेटा। आपने बचपन में बेटा एक गेम खेला होगा, इस तरह से क्वेश्चन आते थे क्रॉस मैचिंग वाले। ठीक है, कि भाई ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका है, साइड में फिर उनकी कैपिटल दे दिए और कह रहे थे भाई इनकी कैपिटल को मैचिंग कीजिए। ठीक है, तो ये वही बात है बेटा, क्या कर रहा हूं, चीजें बनाने के लिए वही कर रहा हूं, लेकिन इसने मुझे हाफ में ही एक क्वेश्चन पूछ लिया है। जो टाइप सी है ना, वो टाइप ए और बी दोनों पार्ट को मिलाकर टाइप सी में क्वेश्चन पूछेगा, तो पार्ट बी एक अधूरा पॉइंट है। ठीक है, तो इसको समझना है ध्यान से। कैट में बेटा 3 लेटर है ना, तो इसके कोड में बेटा कितने लेटर होने चाहिए थे, 3 लेटर ही होने चाहिए थे। तो ढूंढो इसके कोड में कॉलम 2 में किस वर्ड में 3 लेटर है। आपको दिख रहा है डॉग में कितने लेटर है बेटा, 3। तो भाई कैट के सामने इसके क्या लिखना चाहिए,
डॉग रखा होना चाहिए था। तो कैट का कोड यहां पर क्या है बेटा, डॉग है, ठीक है। लाइफ में कितने लेटर है बेटा, फोर है, तो इसके कोड में भी कितने लेटर होने चाहिए, फोर ही होनी चाहिए। तो लाइफ का कोड क्या होगा बेटा, डी होगा। अब इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाए सपोज। अब स्मार्ट में कितने लेटर है बेटा, फाइव, हमें कितने लेटर है बेटा, फाइव। तो स्मार्ट का कोड क्या होगा बेटा, ट्रेड होगा। क्या होगा, ट्रेड। तो भाई ट्रेड क्या होगा बेटा, हमारा आंसर हो गया। स्मार्ट का कोड हमसे इसने पूछा था कि स्मार्ट का कोड फाइंड कीजिए, तो स्मार्ट का कोड क्या बेटा, ट्रेड। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना था, करना क्या था, बस लेटर्स की काउंटिंग देखनी है। इसने पांच पर पांच लेटर का कोई वर्ड होगा कोड टू में, कॉलम टू में कोई ना कोई पांच लेटर का कोई वर्ड होगा, तो ही इसका क्या होना था, आंसर होना था, ठीक है। तुम्हें लेटर्स में कितने लेटर है बेटा, सिक्स लेटर है, तो इसके कोड में भी कितने लेटर होने चाहिए, सिक्स ही होने चाहिए। तो ढूंढो कॉलम टू में ऐसा कौन सा लेटर है, तो दिख रहा है आपको स्ट्रेन में सिक्स है। अगर ये पूछता लेटेस्ट का कोड क्या है, तो आंसर क्या देते हैं बेटा, स्ट्रेन देते हैं, ठीक है। फिर इसने पूछा बेटा टर्मिनल का कोड क्या होगा, तो टर्मिनल में कितने लेटर है, एट लेटर है, और आपको पता है एक ही बचा हुआ है क्रेडिबल, तो टर्मिनल का कोड क्या हो गया बेटा, क्रेडिबल हो गया। इस प्रकार ये किसी भी वर्ड का कोड पूछेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है बेटा, लेटर्स की काउंटिंग देखनी है बस, ठीक है। पार्ट बी में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, डायरेक्ट वर्ड है जो कॉलम वन का, कॉलम वन में से ही कोई वर्ड उठा के आपके क्वेश्चन करे, तो आपने करना क्या, वो तरीके तरीके आपने देख लेना है कि वर्ड के अंदर कितने लेटर है, जितने भी लेटर है ना उतने ही लेटर का कोड होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पूछा था स्मार्ट, तो स्मार्ट का कोड क्या होगा बेटा, ट्रेड। अगर किसी और का पूछता मैं कहता कैट का कोड क्या होगा, तो आंसर क्या होते, डॉग होता। तो मैं लाइफ का पूछता तो डियर होता, ठीक है। लेटेस्ट का पूछता तो स्ट्रेन होगा, टर्मिनल का पूछेगा तो बेटा क्रेडिबल होगा। डन, समझ में आया क्या, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक और दे रहा हूं आपको, और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर टाइप सी की तरफ पढ़ेंगे, सी की, ठीक है। वो दोनों को मिलाकर सोल्व करना है, ठीक है। टाइप सी क्या होगा, पहले तो हमें ऐसे मैचिंग करनी होगी, फिर कॉमन निकालना होगा, वो टाइप सी का क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो पहले इस जैसा ही और क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप सी की और ओके बेटा बढ़ते हैं पार्ट बी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा बेटा, ट्रुथ का कोड क्या होगा, फिर ट्रुथ का कोड फाइंड करना बेटा। तो ये कॉलम वन है, ये कॉलम टू है, तो बेटा आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि भाई आंसर क्या होगा, आपकी डायरेक्ट नजर आंसर के ऊपर जाना चाहिए, आपकी बाज जैसी दृष्टि होनी चाहिए। वो देख लेते ना कि मेरा सर वहां पर इतने डिस्टेंस पे है, मैं इतनी स्पीड से मतलब उड़ूंगा तो ही मेरे को मिलेगा, नहीं तो भूखा रहना पड़ सकता है। तो भाई टूट फोड़ो बस अपना शिकार दिखते। आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन ये रहा ट्रुथ, हमें पता है कि कॉलम वन में डी होनी है, और ट्रुथ के अंदर देखो कितने लेटर हैं, पांच लेटर हैं, तो मुझे पता है इसका कोड में भी कितने लेटर होंगे, पांच ही होंगे। तो दिख रहा है कि टेन होनी हो सकती है, टेन गिवन नहीं है, फिफ्टीन गिवन नहीं है, क्योंकि इसका मल्टीपल तो गिवन नहीं है। तो फाइव लेटर, तो फाइव लेटर किसमें है, दिख रहा है सामने लिखा हुआ है, ठीक है, डेंस में। तो ट्रुथ का कोड क्या हो गया बेटा, डेंस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मून का कोड क्या होगा, तो भाई मून में कितने लेटर है बेटा, फोर लेटर है। तो भाई फोर किस वर्ड में आए हैं, दिख रहा है कि वेंट में आए हैं, तो भाई मून का कोड क्या हो जाएगा बेटा, वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं सभी के आंसर फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे वो गो का कोड क्या होगा, तो गो का कोड क्या होगा बेटा, ही होगा। क्या करना है, बस मैचिंग करना है, ध्यान रखना है यहाँ पर कॉमन वाली टाइप अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, मैचिंग करना है, बस देखना है लेटर्स इसमें दो हैं, टू लेटर है तो टू लेटर का ही कोड होगा, ठीक है। सन में कितने, थ्री, तो भाई इसकी कोड क्या होगा, सी होगा, सी में थ्री लेटर है, ठीक है। ब्राइट में कितने, सिक्स, तो भाई ऐसा कोड बचा हुआ है, रिटर्न, तो भाई ब्राइट का कोड क्या होगा, रिटर्न होगा। तो मैं सभी लेटर्स के मतलब सभी वर्ड्स के कोड फाइंड कर सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी क्या है बेटा, पार्ट ए और बी का मिक्सर है,
पार्ट सी क्या है, ए और बी का मिक्सर है। पहले क्या करना होगा बेटा, ऐसे मैचिंग करनी होगी हमें कि भाई गोप के अंदर कितने लेटर है, टू है ना, तो ये रहा, तो गोप के सामने लिखना होगा भाई ये रहा ही, ठीक है। सन में कितने, थ्री, तो उसके सामने हमें लिखना होगा ये रही कितने लेटर है, सी। मून में कितने, फोर, तो फोर जो इसके लेटर का जो कोड है उसके सामने लिखना होगा, ठीक है। ट्रुथ में कितने, फाइव है, तो इसके सामने रखा हुआ है। भाई ब्राइट में कितने, सिक्स है, तो इसके सामने इसका कोड रख देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनके कोड बिल्कुल इनके सामने रख लिए, मुझे पता है इनके कोड सामने रखे हुए हैं, ठीक है। डन, तो ब्राइट के लिए ये रहा, ठीक है। तो सभी के कोड सामने रख दिए, तो पहले हमें ऐसे अरेंज करना होगा, अरेंज ऐसे मैचिंग करके फिर क्या करना, फिर कॉमन पे आ जाना है, फिर पार्ट ए जैसा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर कैसा बन जाएगा क्वेश्चन बेटा, पार्ट ए जैसा बन जाएगा, फिर क्या करना है, कॉमन लेना है, और जैसे पार्ट ए किया था ना वैसे ही करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर उसको, ठीक है, चलते हैं। पार्ट सी का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हिच लेटर इज ए कोड फॉर ए, कि कौन सा अक्षर ए का कोड होगा, नीचे ऑप्शन ये होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार सभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है, तो मैंने नहीं लिखी है, ठीक है, सेम है। फिर इसने पूछा है सी का कोड, डी का कोड, एन का कोड, ओ का कोड और आर का कोड, ठीक है। सामने आपको कॉलम वन और कॉलम टू दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी स्टेटमेंट में होगा। अब तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ स्टेटमेंट नोट डाउन की है आपके लिए बस। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा था बेटा, जब आपको कॉलम वन कॉलम टू इस तरह के क्वेश्चन बना के दे, तो आपने सोल्व कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन को भी कॉमन लेके, कैसे सोल्व करना है बेटा, कॉमन लेके सोल्व करना है, ठीक है। देखना यहाँ पर कॉलम वन में वर्ड है, कॉलम टू में उनके कोड लिखे हुए हैं बेटा। तो यहाँ पर साउंड लिखा हुआ है, साउंड में कितने लेटर है बेटा, फाइव लेटर है। तो इसके सामने जो कोड है, क्या कोड में फाइव लेटर है, वहां पर क्या लिखा हुआ, ए बी आई लिखा हुआ, तो उसमें तो थ्री लेटर है, क्या साउंड का ये कोड हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ना तो इसका मल्टीपल है ना ही सेम लेटर है। तो फिर मैंने अभी अभी आपको बिग पार्ट करवाया था, बिग पार्ट में मैंने क्या बताया था बेटा, पहले सभी लेटर्स के सभी वर्ड्स के बेटा क्या करेंगे, पहले सभी वर्ड्स के बेटा कोड मैचिंग करेंगे। साउंड में फाइव लेटर है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें फाइव लेटर है, तो आप देखोगे यहाँ पर इसमें भी फाइव लेटर है और इससे नीचे वाले वर्ड में बेटा फाइव लेटर है, ठीक है। अब दुविधा होगी कि कौन सा कोड होगा साउंड का, ये वाला या ये वाला, तो अभी इसको छोड़ दें, अभी कुछ समय इसको रहने दें। नेक्स्ट वर्ड को देखो, एड्रेस, एड्रेस में कितने बेटा, थ्री, फोर, सेवन ना, तो सेवन किस में है, दिख रहा है इसी में है, तो क्या करूँ, इसके कोड को इसके सामने राइट डाउन कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, ठीक है, उसके बाद बेटा क्रस, क्रस में कितने बेटा, फोर लेटर है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा क्रस, क्रस में कितने लेटर है बेटा, फोर है, तो फोर किसमें आएंगे, ये रहा इसमें आएंगे, तो इसके सामने क्या कर देंगे, इसकी कोड लिख देंगे, ठीक है, सी जे एम बी। अब नेट में कितने बेटा, थ्री, तो ऐसा कौन सा वर्ड है कॉलम टू में जिसमें थ्री दिख रहा है हमें, फर्स्ट ही है ए बी आई, ठीक है। उसके बाद है बेटा क्रोनी, क्रोनी में कितने बेटा, फाइव है, हमारे साउंड में फाइव थे, क्रोनी में भी फाइव थे, तो अब इसको भी रहने देते हैं। नीचे वाला क्या है बेटा, क्राउडी, क्राउडी में कितने बेटा, सिक्स, तो इस मतलब ऐसा वर्ड ढूंढो जिसके अंदर सिक्स लेटर हो इसके कोड में, तो बचा हुआ ये है, तो क्राउडी के लिए चाहिए लिखेंगे सामने जी के जी ओ टी वी। अब क्राउडी का कोड ये नहीं है, ठीक है, नेट का कोड अब ये नहीं है हमें पता है, क्रस का कोड हमें पता है ये नहीं है, एड्रेस का कोड मुझे पता है ये नहीं है, ठीक है, और साउंड का कोड मुझे पता है ये नहीं है। तो मेरे पास अब बचा है साउंड और क्रोम, तो देखना बेटा यहां पर हमें कॉमन वाला रूल ही अप्लाई करूंगा,
यहां पर देखना एस एस किस किस में आया है, साउंड में आया है और एड्रेस में आया है, और कहीं पर है तो देखना एड्रेस में क्या चीज है, एड्रेस का कोड कहां पर है, ये ना। तो यहां पर क्या है इसके कोड में, यहां पे भी दिख रहा है डबल एस है, तो इसका कोड क्या होगा, इस एस का भी सेम होगा, दोनों एस का क्या कोड होगा, सेम होगा, तो दिख रहा मुझे या तो डबल ओ है या फिर डबल पी। अब मुझे पता करना है कि ओ है कोड या पी है इसका कोड, तो मुझे पता है साउंड के लिए भी बचा हुआ है उसमें भी एस है, तो मेरे पास मुझे पता है कि इनमें पांचों है, तो इनमें देखो क्या डबल पी क्या डबल ओ आया है, तो देखो इसमें ना तो ओ है ना ही पी है, ठीक है, मतलब ये साउंड का कोड नहीं होगा। तो ये कोड किसका होगा फिर, इस क्रोनी का होगा, क्योंकि भाई इसमें ना तो ओ है ना ही पी है, क्योंकि मुझे पता है कि एस का कोड क्या होना है, क्योंकि एस साउंड में भी और एड्रेस में कॉमन है, तो मुझे पता है भाई यहाँ पर ओ आएगा या फिर पी आएगा, तो इसमें ना तो ओ है ना ही पी है, तो मतलब ये किसका बच गया बेटा, इसका क्रोनी का बच गया, ठीक है, तो इसके सामने में इसको राइट डाउन कर लूंगा, तो भाई क्रोनी का कोड ये नहीं हो सकता, तो क्रोनी का कोड क्या होगा, आई जे के पी वी, ठीक है, ये होगा डन। अब जो जो हमने कैंसिल किए हैं वो अलग से क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। अब साउंड का कोड क्या होगा, हमें पता चल गया क्या होगा, ये होगा भाई आई के एम ओ पी, तो ये भी नहीं होगा ना ये होंगे। अब हमने क्या कर लिए, सभी के कोड मैचिंग कर लिए, साउंड में कितने लग रहे हैं फाइव, तो इसके कोड में भी कितने हैं फाइव, ठीक है, एड्रेस में कितने हैं सेवन ना, तो इसके कोड में भी कितने हैं सेवन, क्रस में कितने बेटा फोर है ना, तो इसके कोड में भी कितने हैं फोर ही लग रहा है, नेट में थ्री है इसके कोड में भी थ्री है, क्रोनी में कितने हैं फाइव है, तो इसके कोड में भी कितने हैं फाइव है, और क्राउडी में कितने हैं सिक्स है, तो इसके कोड में बेटा सिक्स है। अब हमारा क्वेश्चन बन गया बेटा बिल्कुल पार्ट वन जैसा, जो मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ या फिर मैंने आते ही आपको क्वेश्चन करा था वैसा बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और सभी लेटर्स का कोड निकाल लेंगे, तो इधर देख रहे बेटा इधर एस, तो एस इसमें है और एस इसमें है, ठीक है, तो देखना फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में बेटा ओबी है पीबी है, ओबी है पीबी है, अब कैसे डिसाइड करें, तो एक जगह ऐसी होगी जहां पर ओ किसी और में भी आया होगा भाई, या फिर पी कहीं और भी आया होगा, तो देखो ऐसी कौन सी जगह पर है कि या तो ओ मिले किसी में या फिर पी मिले, तो इसमें भी ओ नहीं है पी नहीं, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं इसमें है, तो यहां पर क्या आया है क्राउड में, तो देखना यहां पर भी डी यहां पर भी डी और यहां पर भी डी है, तो मतलब यहां पर क्या आया है कुछ ऐसा है जो इसमें इसमें क्या होगा सेम होगा, तो यहां पर ये रहा ओ, वो इसमें भी ओ है इसमें भी ओ है, तो मुझे पता चल गया यहां पर एस का कोड क्या आया है फिर पी आया है, एस का कोड क्या है बेटा पी आया है, तो इसको क्या करूंगा साइड अलग से लिख लूंगा, यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं एस का कोड क्या बेटा पी, देखना ओ ओ किस किस में कॉमन है बेटा, इसमें है इसमें है इसमें है, ठीक है, एक में से वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है, तो बेटा एक में से वन फाइव सिक्स हाँ बेटा ये वन फाइव सिक्स, तो देखना बेटा वन फाइव सिक्स में क्या चीज कॉमन है, ये वन है ये फाइव है ये सिक्स है, ठीक है, अब कोड हमारे ये है वन आई आई इसमें लेकिन इसमें तो नहीं है, ठीक है, हमें देखना क्या होगा कोड, देखना के के तीनों में है तो का कोड क्या होगा बेटा के, तो भाई के को कैंसिल कर दो अलग से देख ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर इसने हमसे पूछा बेटा हाँ आगे सॉल्व करते हैं, फिर इसे फिर फाइंड करते हैं बेटा यू 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 देखना किस किस में कॉमन है, वन थ्री वन और थ्री में देखना क्या चीज कॉमन है, वन थ्री में हमें दिख रहा है एम है, तो भाई यू का कोड क्या हो गया बेटा एम हो गया, देखना बेटा एन एन किस किस में है, एन इसमें है एन इसमें है और किस में है
इसमें है। तो भाई एक चार पांच, एक चार पांच, एक चार पांच में क्या दिख रहा है आपको, आई दिख रहा है ना। तो भाई एन का कोड क्या हो गया बेटा, हाँ भाई एन का कोड क्या हो गया, आई हो गया। आगे बढ़ते बेटा डी, डी देखना इसमें है, इसमें है और इसमें है। एक दो छह, एक दो छह, क्या चीज बची हुई है, ओ बचा हुआ हमें पता है पहले से। तो भाई डी का कोड क्या हो गया बेटा, ओ हो गया, डन। देखना ए, ए किस किस में कॉमन है, ए कहीं पर आया है, नहीं आया तो छोड़ देंगे, डी कट चुका है। आर देखना, आर आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो भाई सेकंड थर्ड और फिफ्थ और सिक्स, तो भाई दूसरी तीसरी और पांचवी छठी देखना बेटा, सेकंड और थर्ड में देखना और फिफ्थ और सिक्स में देखना कौन सा लेटर कॉमन है, दिख रहा है अभी ना। तो भाई आर का कोड क्या हो गया बेटा, इधर राइट डाउन कर लो बी, डन। ई देखना बेटा, ई ई किस किस में है, इसमें है और इसमें है। सेकंड और फोर्थ बेटा, सेकंड और फोर्थ में बेटा ई है, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में क्या चीज है, बी ना। तो बेटा ई का कोड क्या हो गया, बी हो गया, डन। तो इधर से सारे भी कैंसिल हो गए, इधर सी बचता है। तो देखना थर्ड फोर्थ और सिक्स, सॉरी थर्ड फिफ्थ और सिक्स, और कहीं पर है सी, थर्ड फिफ्थ और सिक्स, थर्ड फिफ्थ और सिक्स, क्या दिख रहा है, जी ना। तो बेटा सी का कोड क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है, कैंसिल होगी सारी, यहाँ पर भी कैंसिल होगी, यहाँ पर भी सारी कैंसिल होगी, यहाँ पर भी कैंसिल होगी, यहाँ पर बचा है डब्लू, तो डब्लू नहीं है, नहीं है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ए, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जब वाई, वाई कैंसिल हो जाएगा, फिफ्थ और सिक्स में क्या है, टी। तो बेटा वाई का कोड क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है, और कुछ बचा है, नहीं, सारे के सारे और कैंसिल हो गए, हमने सभी से एक एक लेटर का हमने कोड निकाल लिया, ठीक है। ए का कोड क्या हो गया, यहाँ पे बचा हुआ है, सेकंड में क्या बचा हुआ है, एल बचा हुआ है। तो भाई ए का कोड क्या हो गया, एल हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए क्या बचा हुआ है, जी बचा हुआ है। तो बेटा हमने सभी लेटर्स के कोड निकाल लिए, अब जिस जिसके इसने कोड पूछा है ना वो रख देंगे। हाँ बेटा पूछा है इसने ए का कोड, तो ए का कोड क्या है चेक करो, ये रहा ए का कोड क्या है, एल, आंसर क्या हो गया बेटा आपका, बी हो गया, ठीक है। फिर इसने पूछा है सी, सी का कोड ये रहा जे, तो सी का कोड क्या हो गया बेटा, ये रहा जे। फिर इसने पूछा है डी, तो डी का कोड बेटा ये रहा ओ, डी का कोड क्या हो गया ओ। फिर इसने पूछा है एन, एन का कोड क्या है, आई, ठीक है। फिर इसने पूछा है ओ, ओ का कोड क्या है बेटा, के। इसने पूछा आर, आर का कोड क्या है बेटा, आर, ये रहा हमने। तो भाई हमने सभी लेटर्स के कोड फाइंड कर लिए थे। अब ऐसे ही ये क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया अगर वो सिंगल में पूछे तो ऐसे वो कोई वर्ड भी बना सकता है, वर्ड बेस भी पूछ सकता है, सिंगल लेटर भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी चीजें इससे रिलेटेड बता दी थी, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेटा टाइप फाइव में और कुछ नहीं बचा बताने के लिए, ठीक है, मेरी तरफ से टाइप फाइव कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा टाइप सिक्स की तरफ, ठीक है, और चीजें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर ये बच्चों का डाउट रहता है, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं बेटा टाइप सिक्स की तरफ, ठीक है, और टाइप सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर टिप्स पे होना चाहिए तभी आप टाइप सिक्स कर पाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा टाइप सिक्स की तरफ, ओके ओके बेटा, बढ़ते हैं टाइप सिक्स की तरफ। टाइप सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना बेटा
इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इसने क्या करा, इफ बैड इज इक्वल टू सम देन फाइंड आंट, कि आंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, इसको अलग से राइट डाउन कर लेंगे कहीं पर भी अपने एग्जाम में जो भी आपको आंसर शीट मिलती है अलग से रफ वर्क के लिए। और आंट को कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखना बेटा इस इक्वल के सिंबल के बाद हमें जो भी नंबर दिया जाए ना वो नंबर बनाने की कोशिश करनी है। क्या करना बेटा, वो नंबर बनाने की कोशिश करनी है। और ये नंबर कैसे बनेंगे बेटा, ध्यान रखना दो चीजें हैं जो अहम आपको याद रखने इस टाइप में। आपको इंग्लिश अल्फाबेट की प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू और प्रत्येक लेटर का अपोजिट लेटर आपको याद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको टिप्स पे याद है और ये क्वेश्चन के कुछ करने के लॉजिक होते हैं वो आपको पता है तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी आप मार नहीं खाओगे, ठीक है? तो उन सभी लॉजिक के ऊपर जो बनते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं सभी लॉजिक के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो मैंने आपको कहा बेटा इक्वल के सिंबल के बाद जो भी नंबर है वो नंबर बनाने की आपने पूरी पूरी कोशिश करनी है, अपनी पूरी जी जान लगा देनी है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पर श्याम बनाना है तो आपको दिख रहा होगा कि श्याम कैसे बन रहा है। तो अगर मैं बेटा बैड के अंदर जितने भी लेटर आए हैं उन सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम कर दो तो श्याम बन जाएगा, सीधी सी बात है। D4A1B2 अगर मैं सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को रखूं और उनका सम कर दो तो कितना बना बेटा, श्याम बन गया। एक बात और ध्यान रखनी बेटा कि जो लॉजिक लगाकर आपने ये यहां पर जो नंबर बनाना है ना, हाँ बेटा फिर से सुनना, जो लॉजिक लगाकर आपने ये नंबर बनाया है ना वही लॉजिक आपने जो सेकंड वर्ड है या थर्ड वर्ड होगा उसमें भी वही होना चाहिए। लॉजिक सेम होना चाहिए, लॉजिक दूसरा नहीं होना चाहिए हर वर्ड के साथ। हर वर्ड के साथ क्या रहेगा लॉजिक बेटा, सेम रहेगा, ठीक है? लॉजिक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी ऑप्शन बेस्ड होते हैं क्योंकि आंसर यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमें आंसर क्या देना, ऑप्शन बेस ही देना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एरिया निश्चित हो गया कि भाई इन चारों में से आपका आंसर है कोई ना कोई, मुझे इन चारों में से आंसर दो। अगर इन चारों में से आंसर दोगे ना तो ही मैं मानूंगा, ठीक है? इन चारों में से जो उसने लॉजिक बना के पूछा है वही आंसर देना है, ठीक है? तो भाई मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया बेटा कि बेड के अंदर जितने भी लेटर हैं सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम कर दिया सेवन बन गया, तो वही लॉजिक बेटा इसमें भी लगाऊंगा। तो आठ के अंदर प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू का सम करूंगा, मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपने ये चीजें लिखनी नहीं, बट मैंने आपको कहा था कि प्लेस वैल्यू टिप्स पे होनी चाहिए। तो आपने इस तरह से प्लेस वैल्यू राइट डाउन नहीं करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस इतनी करोगे दिखते ही पता चल जाए, ठीक है? आगे भी इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, आगे नहीं लिखूंगा। तो सभी की प्लेस वैल्यू का सम कितना हो गया बेटा, ये 15 हो गया, 15 + 20 कितना हो गया 35। तो आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, बी हो गया। कितना सम हुआ बेटा, 35। तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है? इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा बेटा कि दिल्ली को ये लिखा है बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें कोशिश क्या करनी है बेटा, अपने पूरे एफर्ट्स किसके ऊपर लगाने हैं, इस 38 को बनाने के ऊपर जुट जाना है, सारे के सारे एफर्ट्स किसके लिए लगाने बेटा, 38 के लिए, ठीक है? तो कोशिश करो कि बेटा 38 कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या बात है कि सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम करो, ये तो पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि उससे हमें आइडिया आ जाता है कि उसका नियरेस्ट है या उससे थोड़ा सा आगे है या उससे थोड़ा सा पीछे है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम करूंगा बेटा कितना आएगा, 38 ही आएगा। आप कर सकते हो 4, 5, 12, 8, 9, ये देखो ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये 9 और ये 9 कितना हो गया, 18, और 20 + 18 कितना हो गया, 38, ठीक है? ये नहीं कि बिल्कुल बच्चों की तरह प्लस करना है ना, ये सारी चीजें आपने मेंटली करनी है। तो कितना बन गया बेटा, 38 बन गया, तो 38 ही बनाना था। अब ध्यान रखना जो लॉजिक आपने यहाँ पर लगाया है ना वही लॉजिक आपने यहाँ पर भी लगाना है। लॉजिक लगाते हैं, कितना हो गया, 2, 15, 13, 2, 1, 25, ठीक है? ये कितना हो गया, 26 हो गया। कितना हो गया बेटा, 26, ये कितना हो गया, 15, ये कितना हो गया, 15। तो इन दोनों का सम क्या कितना हो गया, 30, इन दोनों कितना था, 26,
30 प्लस में 26 कितना हो गया 56, 56 प्लस 2 कितना हो गया 58, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा 58। ठीक है, समझ में आ रहा है, डन। ठीक है, आगे मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लॉजिक का एक ही क्वेश्चन कराऊं, हर लॉजिक में दो दो क्वेश्चन कराऊंगा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और वीडियो पता नहीं 1 घंटे 2 घंटे की बन जाएगी अलग से टाइप 66 की। तो मैं हर लॉजिक का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसको ध्यान से समझना है बारीकी से। इफ को क्या कहा बेटा, सॉरी इफ फॉर इज इक्वल टू 42 देन फ्रंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, फोर को क्या लिखा बेटा 42, फ्रंट को कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो भी हमें पूरी कोशिश किसके ऊपर करनी है बेटा, 42 के ऊपर करनी है। तो 42 कैसे बनेगा, अगर मैं क्या करूं डायरेक्ट प्लेसमेंट का सम कर रहा हूं, क्या 42 बन रहा है। हम मुझे पता है बना दोगे, लेकिन भाई वही लॉजिक सेम बनाना है, और वही लॉजिक लगाओगे तो फिर आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो इसके सही मानना, बिल्कुल सही दिशा में जाना आपको बेटा। ठीक है, तो भी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू का मैं सम करूंगा तो बेटा आंसर मतलब हमारा 42 नहीं आएगा। तो फिर इसने इसमें किया क्या है बेटा, सभी लेटर की अपोजिट लेटर का रखकर, हाँ बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि इसने क्या किया बेटा, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का क्या किया है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम किया है। क्या सुनते देखना बेटा फिर से एक बार। ओके बेटा, ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा बेटा, 4 को 42 लिखा है, फ्रंट को क्या लिखा जाएगा या फिर क्या कहेंगे कैसे लिखा जाएगा। तो हमें पूरी की पूरी कोशिश क्या करनी है बेटा, 42 बनाने की करनी है। अगर मैं सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम करूंगा ऐसे ही तो 18 6 15, तो भाई ये कितना हो गया 21 प्लस में ये कितना हो गया 29 प्लस में 10 कितना हो गया 39 ही हुआ। कितना हुआ बेटा 39। अब मुझे बनाना क्या है 42 बनाना है, और मैंने क्या कहा था आपने 42 बनाना है। यहां पर मैं 42 बना सकता हूं, क्या करूं भाई अपनी तरफ से क्या करूं 3 ऐड कर दूं, क्या कर दूं बेटा अपनी तरफ से 3 ऐड कर दूं तो कितना बन गया 42। ठीक बात है, तो मैं क्या करूंगा इसमें भी ऐसे ही करूंगा, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू रखूंगा और कितना ऐड कर दूंगा मैं इसमें 3 ऐड करूंगा। या 3 ऐड करने का एक और रीजन भी हो सकता है क्योंकि 4 के अंदर कितने लेटर हैं 3, इसलिए यहां पर 3 ऐड किया हो, या फिर अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का, ये 6 हो गया, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, ये 14 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये 20 हो गया, ये 20 40 हो गया 40, और ये 30 हो गया, 40 प्लस 30 कितना हो गया 70, 70 प्लस में 3 कितना हो गया 73 हो गया, तो 73 हो गया। अब कितना ऐड किया था हमने 3, तो 3 ही ऐड करूंगा एक्स्ट्रा तो 76 हो गया। क्या आंसर में 76 है, नहीं है, नहीं है ना। अगर आप कहोगे गुरुजी इसने तो ये 3 है ना, जितने लेटर थे ना उतना ऐड किया था, तो यहां पर फ्रंट में कितने लेटर हैं 5, मैं 3 की जगह कितना ऐड करूंगा 5 ऐड करूंगा, तो कितना हो गया फिर 78। क्या ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में ये आंसर होते ना बेटा तो हमारे आंसर बिल्कुल सही होते, लेकिन एग्जामिनर हमें मैं क्या कर रहा बेटा, लेकिन एग्जामिनर हमेशा अपनी चाहतों को पूरा करना चाहेगा कि भाई मुझे तो ये आंसर चाहिए, हमें उसकी डिजायर को पूरा करना है भाई, हमें उसके माइंड को पकड़ना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा था, हमें उसी बात को सोल्व करना है बस। ठीक है, तो यहां पर ना तो 76 है और ना ही 78 है, तो अब क्या करूं बेटा। तो मैंने कहा था बेटा इस 42 बनाने के एक तरीके नहीं है, हजारों तरीके हो सकते हैं। मैं फिर से बता रहा बेटा इस 42 बनाने के लिए हजारों तरीके हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा
इस वे से मेरी बात नहीं बनी, इस लॉजिक से मेरी बात नहीं बनी, तो मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे लॉजिक की तरफ जाऊंगा। तो दूसरी लॉजिक की तरफ चलते हैं। अगर मैं क्या करूं, सभी लेटर का अपोजिट लेटर रखूं, तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, और यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल, एल की प्लेस वैल्यू 12। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, और आई की प्लेस वैल्यू 9। अगर मैं सभी लेटर का अपोजिट लेटर रखूं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम करूं, क्या 42 बन रहा है, 42 बन गया है और मुझे 42 ही चाहिए था अब मैं क्या करूंगा यही लॉजिक इसमें लगाऊंगा तो सभी लेटर का अपोजिट लेटर रखूंगा सॉरी F का अपोजिट लेटर U, R का I, O का L, N का हमें N, और T का बेटा G। अब देखोगे U L I, तो इन तीनों का सम कितना आना है, 42 ही आना है। ये कितना हो गया, 30 ही कितना हो गया, 7 ही कितना हो गया, 20, 30 प्लस 7 हमें 13 प्लस 7 कितना हो गया, 20, 42 प्लस में 20 कितना हो गया, 62। देख लो ऑप्शन में 62 है, बिल्कुल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 62 हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 62 हो गया, डन, ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के, बेटा बढ़ते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो आई को क्या लिखा बेटा, 21, वेंट को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमें अपनी पूरी की पूरी कोशिश किसके ऊपर लगानी है, 21 के ऊपर। मैं इक्वल के सिंबल के बाद बेटा जो भी नंबर देना, हां बेटा इक्वल के सिंबल के बाद जो भी नंबर देना, हमें वो बनाने की कोशिश करनी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो यहां पर 21 कैसे बन जाएगा, दिख रहा है कि डायरेक्ट प्लेस ले लूंगा, सम करूंगा तो 21 नहीं बनेगा, क्योंकि बाई की 25 है। तो फिर मैं क्या करूं, अगर मैं सभी लेटर का अपोजिट रखूं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम करूं, क्या बन रहा है भाई, टी का अपोजिट क्या होता है, जी, जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ का अपोजिट एल होता है, एल की प्लेस वैल्यू 12, वाई का अपोजिट बी होता है, बी की प्लेस वैल्यू 2। तो इन सभी का सम करो, कितना बना बेटा, 21 बन गया, बन गया। कई बच्चे तो ये भी कहेंगे सर इसमें 3 लेटर हैं, मल्टीप्लाई से हम कर दिया 21। अरे मैंने कहा था बेटा ये 21 बनाने के हजारों तरीके हैं, ठीक है, पता नहीं कितने तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेटा लॉजिक ऐसा बनाना है जिससे हमारा आंसर मिल जाए, ऑप्शन में जल्दी से जल्दी हमारा आंसर क्लिक हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 20-25 लॉजिक है, वो 20-25 क्वेश्चन कर लो, वो एक बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो भाई वेंट को कैसे लिखा जाएगा, तो यही सेम लॉजिक लगाता हूँ, ठीक है। अगर बात सही है आपकी, इसमें 3 थे, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें क्या करूँ, इसमें 4 है और 7 के साथ करो मल्टीप्लाई, कितना 28 ऑप्शन है क्या, नहीं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ बेटा, ऑप्शन बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अपोजिट लेटर रखकर सभी की प्लेस वैल्यू का सम करते हैं, वो लॉजिक अप्लाई करते हैं, सभी लेटर का अपोजिट लेटर रखूंगा, उसकी प्लेस वैल्यू का सम कर दूंगा, तो डब्ल्यू का डी 4, E का B 37। ये जल्दी जल्दी कर लिया आपने, और ये राइट डाउन नहीं करनी, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये आपने मेंटली दिमाग में अपना सब कर लेना डायरेक्ट। तो कितना हो गया ये 20, ये कितना हो गया 26, 20 प्लस में 26 कितना हो गया 46। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, 46, जो कि ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो सभी लेटर की अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम कर दिया, या तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू का सम, या फिर सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का, सभी लेटर की अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम, ठीक है। 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, होटल को क्या लिखा है बेटा, 12 लिखा है, लैंप को कैसे लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, तो ये 12 बनाने की कोशिश करो। तो 12 कैसे बन सकता है, तो पहले कोशिश करेंगे कि सिंपल वे में सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम कर दूं, तो टोटल करेंगे कितना हो गया, ये 8, 8, 20
और ये 20 20 कितना हो गया 40 40 प्लस 20 कितना हो गया 60। तो सभी लेटर की जब मैंने प्लेस वैल्यू का सम किया तो कितना मिला मुझे 60 मिला। और मुझे क्या चाहिए 12। क्या 60 से हाँ बेटा क्या 60 से 12 बन सकता है? हाँ बेटा क्या 60 से 12 बन सकता है? हाँ बन सकता है बेटा। मैंने क्या कहा था, लॉजिक आप चाहे जैसा भी बना लो लेकिन वही सेम लॉजिक आपने नीचे वाले वर्ड में अप्लाई करना है। अगर मैं 60 को बेटा 5 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं 5 से, मैं अपनी तरफ से भी 5 लगा सकता हूं, अपनी तरफ से भी कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी लेटर के साथ मतलब कोई भी नंबर रख के उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस भी कुछ भी कर सकता हूं, ध्यान रखना। तो भाई जब मैं 60 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया मेरा 12 आ गया, ठीक है। अब मुझे ये सेम लॉजिक यहां पर भी अप्लाई करके देखना है। और आप देखोगे तो इसके अंदर कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। तो मैं ये भी हो सकती है बात कि इसके अंदर जितने लेटर हैं ना उतने लेटर से क्या किया, जो उनका सम है उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन सभी का सम करते हैं कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, 13 प्लस 13 कितना 26, 26 प्लस 2 कितना 28। अब 28 को मैंने यहां पर पहले किससे डिवाइड किया, अपनी तरफ से 5 से, तो अपनी तरफ से 5 से करूंगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में कोई भी आंसर नहीं। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर जितने लेटर हैं उतने लेटर से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। यहाँ पर कितने लेटर हैं 4, 4 से डिवाइड कर दो कितना हो गया 7। ऑप्शन में है बिल्कुल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा 7। एक बार ध्यान रखना बेटा जितने लेटर हैं ना उन लेटर को क्या कर सकता हूँ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, याद रखना मैथमेटिकल ऑपरेशन को उसके अंदर लगा सकता है, ये मत भूल लो। या तो अपनी तरफ से कर लो या फिर लेटर्स की काउंटिंग करके देख लो कि उसके अंदर लेटर्स कितने हैं, 5 है 3 है 2 है 1 है, उसी हिसाब से मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। डन, 6 पे चलते हैं बेटा। तो 6 में क्या कहा बेटा कि बैट को 69 लिखा है, बुक को 172 लिखा है, पेन को कैसे लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, तो बात किसकी है बेटा 69 की है। तो भाई कोशिश करो कि 69 बन जाए। कई बच्चों के दिमाग में आ गई होंगी चीजें, कई के दिमाग में अब तक नहीं आई होंगी। तो बेटा सभी का सभी किसका फंडा है, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर का फंडा है, ठीक है। तो भाई बी कितना होता है 2 होता है, ए बेटा 1, बी बेटा 20। सभी की प्लेस वैल्यू सब क्या कितना बन 23 1। अब बेटा सभी की प्लेस वैल्यू सब कितना बन 23 ना, और मुझे क्या चाहिए 69 चाहिए। मैं आपको इसीलिए टेबल स्केल क्यूब पावर फैक्टोरियल याद कराता हूँ ताकि आपका दिमाग जल्दी जल्दी चल सके। आपको दिख रहा है 23 3 जा कितना होता है 69 होता है, मतलब मुझे 69 बनाना है। तो क्या करूँ, जो मेरा 23 आया था मैं उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, या आप देखोगे यहाँ पर कितने लेटर हैं 3 लेटर है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, या अपनी तरफ से मान के चलो। आगे देखते हैं फिर बात क्या बनती है। तो भाई सभी लेटर का सम कितना हो गया, कितना हो गया 30, 30 प्लस में 13 कितना हो गया 43, तो सम आ गया बेटा हमारा 43। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 3 किया था तो मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 3 3 तो 9 होता है, तो 9 तो है ही नहीं, डिजिट में 2 है। तो यहां पर आप कितने लेटर हैं 4 है, तो 4 के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कितना होता है 43 4 का कितना होता है 172 ही होता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम उसके बाद उस वर्ड में जितने भी लेटर हैं उस जो भी सम आया उस सम के साथ क्या करते हैं, जितने लेटर हैं ना उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 के साथ, 5 है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 60 प्लस में 14 30, 30 प्लस में 5 कितना हो गया 35, ठीक है। अब यहाँ पर कितने लेटर हैं 3 है तो मल्टीप्लाई में क्या करूंगा 3 ही करूंगा, तो फिर सॉरी तो 35 3 से कितना होता है 105, टेबल याद होनी चाहिए बेटा 35 3 का कितना होता है 105, तो हमारा आंसर क्या हो गया बी, ठीक है।
ठीक है डन। फिर से मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जितने जिस वर्ड पे जितने लेटर है ना उनको वो प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है। डन। श्याम की तरफ चलते हैं बेटा। मैन को ये लिखा है, साइज को ये लिखा है, फायर को कैसे लिखा जाएगा नीचे ऑप्शन, ठीक है। तो मैन को इसलिए लिखा बेटा 415 मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। क्या कर रहा है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू क्या कर रहा है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, 1 प्लस 3 कितना होता है बेटा 4 होता है, तो 4 आ गया भाई। ए की तो 1 होती है, 1 का तो सिंगल 1 ही रहेगा, तो 1 सेम है। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, 1 प्लस 4 बेटा 5 हो गया, तो 5 आ गया। क्या कर रहा है, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है डन। यहां पर भी ऐसा ही करूंगा, तो एस कितना होता है 19, क्या उसने 10 रखा है, नहीं रखा, 1 रखा है, मतलब 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 हो गया। 10 को फिर से कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ गया 1, मतलब अभी पक्का पूरा पूरा यकीन हो गया कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है। आई बेटा सिंगल होता है, सेम। जेड 26, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, आपको पता है ई सिंगल होता है 5, तो 5 डन। तो आंसर कितना हो गया बेटा, एफ कितना होता है 6, सेम रहेगा। आई कितना 9, सेम रहेगा। बी कितना होता है 22, 2 प्लस 2 4, 4 आ जाएगा। ई कितना होता है 5, तो सिंगल, तो सिंगल, तो 6 9 4 5, 6 9 4 5 ऑप्शन बी हो जाएगा डन। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ठीक है। रोहतक को क्या लिखा है बेटा, 4 लिखा है, सैटरडे को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, सैटरडे को क्या लिखा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। हाँ बेटा रोहतक को क्या लिखा है, 4 लिखा है, सैटरडे को क्या लिखा जाएगा। डन, सॉल्व करते हैं। मैंने आपको टाइप 1 में ये सारी बातें टाइप 1 से रिलेटेड है, मैंने कहा था टाइप 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाइप 1 से ही बात है बेटा रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट है ना उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वोवल और कॉन्सोनेंट, वोवल और कॉन्सोनेंट। तो यहां पर 4 लिखा हुआ है, तो चेक करो रोहतक के अंदर बेटा कितने कॉन्सोनेंट है भाई। रोहतक के अंदर 4 कॉन्सोनेंट है, वो लिख सकता था कि इसके अंदर 2 है, तो 2 क्या होता, वोवल होते, वो मर्जी है उसकी, वो वोवल को लेके चला या कॉन्सोनेंट को लेके चला। तो यहां पर ये कॉन्सोनेंट को लेके चला, ठीक है। सैटरडे क्या देखना है, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, तो आंसर कितना हो गया बेटा 5, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डन। अगर वोवल को लेके चलता 1 2 3, तो आंसर क्या होता 3 डन। समझ में आ रहा है सब, बस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। ओके बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा बेटा, कैट को 8 लिखा है, रेड को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो भाई हमें कोशिश क्या करनी है बेटा, 8 बनाने की करनी है। ये 8 बनाओ, चाहे कुछ भी करो, इसके अंदर प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो करना है वो आप करो, प्लेस वैल्यू को उल्टा रखो, उल्टा रखो, ऊपर नीचे जैसे भी है, लेकिन बनना क्या चाहिए 8। और जिस भी लॉजिक से 8 बन जाए ना, वही सेम लॉजिक फिर आपने इसमें भी लगाना है, ठीक है बेटा। कैट को क्या लिखा है 8, तो रेड को क्या लिखा जाएगा। तो भाई कैट के लिए मैं 8 कैसे बना सकता, अगर मैं देखूं सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम कितना बेटा 24 है, 24 से मुझे क्या बनाना है 8 बनाना है। आप ये मुझे
अगर मैं इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें भी यही लॉजिक लगाऊंगा। समझना बेटा एक एक बात कितनी है यहां पर, तो कितना हो गया ये, कितना हो गया 18 प्लस 1 19 प्लस 20 कितना हो गया 39 की क्या करूंगा सभी डिजिट की मल्टीप्लाई करूंगा, तो 39 का कितना हो गया 27। तो ऑप्शन में क्या है, नन ऑफ दीज भी गिवन है, तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, डन। लेकिन यहां पर मैंने ये आंसर नहीं पूछा है, ये मैंने आपको इसीलिए दिया है नन ऑफ दिस, ताकि मैं कुछ चीजें और भी है, क्योंकि बार बार मैं अलग अलग क्वेश्चन बना के कराऊ इसी में करा दू, तो चीजों को समझा करो बेटा। ये लॉजिक समझ में आ गया कि सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम किया, जो सम आया उसके डिजिट का क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 27, जो कि नन ऑफ दिस में हो सकता, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहां पर क्या गेट बनाने के क्या एक ही तरीके हैं, बहुत तरीके हैं बेटा। मैंने कहा था ना, अगर मैं इस 24 को बेटा 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया 8 आ गया ना, बोलो आ गया ना। बस तो फिर मैं क्या करूंगा, इसका सम तो आया था 39, तो यहां पर मैंने क्या किया 3 से डिवाइड, क्या करूंगा 3 से इसको भी डिवाइड करूंगा, तो 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना गया 13, ऑप्शन में है बिल्कुल। तो यहां पर मैंने आपको यही आंसर पूछा है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा 13। अगर मैं इसको ऑप्शन से हटा दूं, ध्यान रखना ऑप्शन में एक ही आंसर मिलेगा, एक ही लॉजिक का। ठीक है, अगर मैं 13 ना क्यों होता तो आंसर क्या होता फिर 27 होता ना ऑप्टिक, दूसरे लॉजिक से। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, डन। ठीक है, अब समझना यहां पर एक बात इसी में बताना चाहूंगा, तो यहां पर सभी डिजिट का सम कितना है बेटा, इधर लिख रहा हूं, कैट के प्रत्येक लेटर का सम कितना है 24 आया, और पूछा क्या है रेड का। मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, तो ध्यान रखना इस 24 को मैंने यहां पर डिवाइड किया है, क्या मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, हां कर सकता हूं, तो कितना आता, अगर ये 72 लिख देता यहां पर इक्वल में, तो मुझे 72 कैसे बनाना पड़ता, क्या मैं इसको प्लस नहीं कर सकता 3 को, तो 24 प्लस 3 कितना होगा 27, तो 27 भी बन सकते हैं, क्या मैं इसको माइनस नहीं कर सकता, कर सकता, तो कितना हो गया 24 माइनस 3 कितना हो गया बेटा, बोलो 21 हो गया। तो देखो हर बार क्या नंबर चेंज हो रहे हैं, लॉजिक चेंज हो नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे लॉजिक निकलते आएंगे निकलते आएंगे। ठीक है, तो बस इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो भी सम आया ना उस सम में बेटा वो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकता है, वो डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है। ठीक है, डन। ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी आपको, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है बेटा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, सर वी हैव गॉट इट। ठीक है, डन। तो आंसर आ गया कितना बेटा हमारा 30। ठीक है, क्या किया मैंने, जो इसकी प्लेस वैल्यू आई थी उसको 3 से डिवाइड कर दिया, अपनी तरफ से कर दिया, या अगर आपको इसके अंदर 3 लेटर है सर इसलिए 3 से कर दिया, बात सेम है, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया कितना गया 8, तो इसका 39 है, 39 को 3 से किया तो कितना आ गया आंसर बेटा 30। ठीक बात है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, कैफे को क्या लिखा है 5 लिखा है, तो कैफे को 5 कैसे लिखा जाए, बोलो क्या करूंगा, पहले से भी लेटर की प्लेस वैल्यू पर सम कर दूं, सम करते हैं कितना हो गया बेटा, हाँ भाई कितना हो गया 30, सॉरी कितना हो गया 50, कितना हो गया बेटा 50, और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 5 चाहिए, हाँ बेटा मुझे क्या चाहिए 5, तो 15 से 5 कैसे बनेगा, सीधी सी बात है क्या करूँगा 3 से डिवाइड कर दो, अब आप कोई सर जी इसमें तो ना तो 3 लेटर है, तो क्या किया अपनी तरफ से कर ले बेटा, अपनी तरफ से आप इसके अंदर कुछ भी
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन फिर दूसरी उसमें भी करना पड़ेगा, रोची को सेव करना होगा। तो मैंने क्या करते 15 को 3 से डिवाइड किया था, आंसर कितना आ गया 5। तो इसमें भी यही लॉजिक रखूंगा मैं, सभी की प्लस का सम कितना हो गया 30, जो सम आया था उसको क्या करना 3 से डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया बेटा 10। डन सक्सेस। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। तो डेन को क्या लिखा बेटा 5, टर्न को कैसे लिखा जाए देखो, बात तो क्या है 5 बनाने की, ये 5 बनाओ कैसे बन सकता है, अगर आप सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम करोगे तो कितना है बेटा 23, कितना है बेटा 23। अब मुझे क्या चाहिए 5, तो 23 से 5 कैसे बन सकता है, आपको इस तरह से इतना माइनस कर लो तब भी बन जाएगा, हम बन सकता है, मैंने कहा था बनाने के तो हजारों तरीके हैं, लेकिन जो लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ जहां पर एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैं क्या करूं बेटा, जो सम आया ना उस सम के अंदर जो भी डिजिट है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लो, ध्यान रखना सिंगल डिजिट का लॉजिक है ना मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको क्या करते हैं इसका जो सम आया बेटा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, और 2 + 3 कितना हो गया 5, तो मुझे 5 ही बनाना था, जो प्लेस वैल्यू का सम आया उस सम को क्या कर लिया बेटा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, तो 20, 21, 18, 14, तो सभी का सम करो कितना आ गया बेटा 41 + 18 करूंगा कितना हो गया 41 प्लस में 8 ऐड किया 49, 49 प्लस में 10 59, 59 प्लस में 40 तो कितना हो गया बेटा 73 हो गया, कितना हो गया 73। अब करना क्या है सभी डिजिट्स का सम करना है, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, क्या ऑप्शन में 10 है नहीं है, फिर से मतलब बात क्या है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, अब 10 तो 2 डिजिट का है 1 में करूंगा तो कितना होगा 1 प्लस 0 होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बेटा, बैट को लिखा 40, कैट को क्या लिखा जाएगा, तो मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का सम, तो इसमें क्या है बेटा सभी लेटर की प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट है, सभी लेटर की प्लेस वैल्यू की क्या होती है इसमें बेटा मल्टीप्लाई करती, तो आप भी ऐसा कर दो 3 × 1 = 20 कितना हो गया 60, तो आंसर कितना हो गया 60। डन, ठीक बात है, अगर मैं यहां पर इसको 40 को अगर 20 लिख दूं तो कैसे बनेगा, तो 40 को क्या करूंगा जो मल्टीप्लाई है मतलब जो प्रोडक्ट आया 40 उसको क्या करूं 20 बनाएंगे 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर कितना आ गया 20, तो यहां पर जो प्रोडक्ट आया है 60 तो उसको भी क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो गया 30, तो फिर आंसर क्या होता है हमारा 30, तो फिर आंसर क्या होता है 39, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया आपको समझाने के लिए, मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 60। डन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटा, ठीक है, आइसक्रीम को क्या लिखा बेटा 7 लिखा है, डिक्शनरी को क्या लिखा बेटा वो बताना है, आइसक्रीम को 7 कैसे लिखा जा सकता है बोलो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, अपोजिट लेटर का सम करना, उनका प्रोडक्ट है उनका सम है, ठीक है, किसी नंबर से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना, मतलब लॉजिक बहुत ज्यादा है, वो वाल देखना कौन सा डिजिट देखना, तो ध्यान रखना बेटा एक बात और भी, आइसक्रीम के अंदर कितने लेटर आए हैं, हाँ बेटा आइसक्रीम वर्ड के कितने लेटर आए हैं 8 लेटर आए हैं, आइसक्रीम के अंदर कितने लेटर हैं 8, 8 में से 1 कम कर दिया कितना रह गया 7, मतलब जितने लेटर हैं उसमें से 1 कम कर दिया, डिक्शनरी में कितने लेटर हैं 10, 10 में से 1 कम कर दिया आंसर कितना हो गया 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया 9। डन, समझ में आया बेटा, हां भाई समझ में आ रहा है क्या बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 14 और 15, 16 और 17 आपका होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 आपका होमवर्क है,
इसके आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करना है, ठीक है? क्या आंसर ए होगा सर, इसका बी होगा, 17 का ए होगा, 18 का ये होगा, ठीक है? और कोशिश करो कि लॉजिक के साथ आंसर दो। ये चारों के चारों क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं टाइप 7 की तरफ, ठीक है? ओके बेटा, बढ़ते हैं टाइप 7 की तरफ। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो भाई जो हमारी टाइप 7 है बेटा वो मैट्रिक्स की है। तो ये हमारी मैट्रिक्स फर्स्ट है, ये हमारी मैट्रिक्स सेकंड है, ठीक है? और हमसे पूछा कर गया है कि फिश को कैसे लिखा जाएगा, फिश का कोड क्या होगा। तो देखना बेटा एक बार, यहाँ पर फिश में कितने लेटर आए बेटा, 4 लेटर है, और हर ऑप्शन में बेटा कितने नंबर आए, 4 नंबर है। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि सिंगल लेटर के लिए सिंगल नंबर है, हर लेटर के लिए एक नंबर है। अब नंबर्स की बात आती है बेटा, तो इसमें नंबर्स कैसे बनाएंगे? ध्यान रखना इसकी जो स्टेटमेंट होती है ना थोड़ी सी लंबी चौड़ी होती है, ठीक है? उसको एक बार आराम से घर पर बैठ कर आराम से उसको रीड कर, ठीक है? ताकि एग्जाम टाइम में आपको उसको रीड करने में समय बर्बाद ना करें। और इसकी जो स्टेटमेंट होती है उसमें से सिर्फ क्या बात काम की होती है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ड होता है ना वही हमारे काम का होता है। मैंने यहां लिखा हुआ फिश, ठीक है? तो इसकी स्टेटमेंट में एक पैटर्न भी दिया होता है। जैसे इसने लिख दिया 11 पर बी है, ठीक है, और 23 पर भी बी है। अगर मुझे 23 पर या 11 पर बी है तो बात सही है, अगर इन दोनों नंबर के ऊपर बी नहीं मिला तो बात क्या हो जाएगी बेटा, रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बात करते हैं कि नंबर कैसे बनाएंगे। ध्यान रखना बेटा हमें क्या करना है, हमेशा जब भी नंबर बनाएंगे तो उनका एल करके नंबर बनाना है। बात समझ रहे हो ना, जब भी नंबर बनाएंगे बेटा तो किस कैसे बनाना है, उल्टा एल करके नंबर बनाना है। और यहां पर जो आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर इस 90 डिग्री के एंगल पर जैसे मैं कहूं बेटा 11 पर बी बनना चाहिए, अगर यहां पर बी मिला ना 11 पर तो बात क्या होगी, सही होगी। तो भाई ये 1 और ये 1 दोनों को मिला हुआ कितना बन जाएगा बेटा, 11 बन जाएगा। कैसे चलूंगा, उल्टा एल बनाना बेटा, यहां से चलूंगा और 1 की लाइन में रुक जाऊंगा, फिर इस 1 की लाइन से चलूंगा और इस 1 की लाइन में आके रुक जाऊंगा। तो यहां पर जहां पर दोनों लाइन मिल रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है ना, तो मतलब बी है यहां पर, तो बात क्या होगी, ये बात सही होगी, ठीक है, ये ट्रुथ होगी यहां पर। अब जैसे मैं कह दूं बेटा 32 पर एल बनता है क्या, बेटा मैंने कहा कि 32 के ऊपर L बनता है क्या, तो क्या करूंगा, इस 3 को और इस 2 को मिलाऊंगा क्या बनाऊंगा, 32 बनेगा। हाँ भाई, इस 3 को 2 को मिलाऊंगा बेटा कितना बनेगा, 32। तो चेक करो कि L है, 3 से चला 2 की लाइन में जाके रुक जाऊंगा, 2 से चलूंगा 3 की लाइन में जाके रुक जाऊंगा, तो कितना बन गया बेटा 32। और देखना यहां पर L है, L है, तो यहां पर इसमें क्या कहा था कि L होना चाहिए, तो L है, तो ये बात क्या होगी बेटा, सही होगी, ठीक है। ऐसा ही इसी क्वेश्चन में, सॉरी आपके सेकंड मैट्रिक्स में भी ऐसे ही नंबर बनेंगे बेटा। तो जैसे मैं इसमें कहूं 76 पे S है, तो देखना 76 पे S है क्या बेटा, तो ये 7 है ये 6 है, तो क्या करूंगा, उल्टा एल बनाऊंगा, तो बन रहा है S, बिल्कुल बन रहा है, तो बात क्या होगी, सही। अगर मैं कहूं बेटा 87 पर पी है, 87 पर पी है, मुझे बताइए कि 87 पे पी है, देखना बेटा ये 8 है ये 7 है, दोनों को मिलाऊंगा कितना बनेगा, 87 बनेगा। तो 8 से चलूंगा 7 की लाइन में रुक जाऊंगा, 7 से चलूंगा 8 की लाइन में रुक जाऊंगा, तो देखना 87 बन रहा है। लेकिन 87 पे यहां पर लिखा क्या हुआ है, यहां पर लिखा हुआ बेटा के, और यहां पर क्या गिवन था, पी, होना क्या चाहिए था, पी, गिवन क्या है मतलब यहां पर के, तो ये बात क्या होगी बेटा, यहां पर रॉन्ग होगी, गलत होगी बेटा। तो नंबर हमें ऐसे बनाने हैं, प्रत्येक लेटर के लिए कोई ना कोई नंबर देगा ये हमें, ठीक है? तो उस नंबर पे हमें चेक करना है कि वो लेटर है तो मतलब वो नंबर सही है, अगर वो लेटर नहीं है तो नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितना बढ़ता बेटा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है फिश, तो फिश के अंदर कितने लेटर है, 4 लेटर, 1 2 3
4, ठीक है। तो मतलब हर लेटर के लिए क्या है, एक नंबर, हर ऑप्शन में देखो कितने कितने नंबर है बेटा, 4 नंबर है। तो यहां पर मैं जैसे चलता हूं F, तो F के लिए क्या देखूंगा, F फर्स्ट पोजीशन में है ना बेटा, तो सभी ऑप्शन का मैं फर्स्ट लेटर ही देखूंगा, मतलब फर्स्ट नंबर ही देखूंगा। फर्स्ट नंबर पे बेटा क्या है यहां पर, ये में W2 के ऊपर चेक करो, F बन रहा है, ये देखना बन रहा है। हां मैं बार-बार ऐसा नहीं करूंगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बन रहा है, हमें दिख रहा है कि यहां पर क्या है, 22 के ऊपर तो H बन रहा है, लेकिन इसमें क्या था, इसमें F बनना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 22 पर F चाहिए, अब बन क्या रहा है, H बन रहा है, तो आंसर क्या होगा यहां पर, ये गलत हो गया कंप्लीट, क्योंकि F बन नहीं रहा है। तो मैं B पे चलता हूं बेटा, इसने कहा F कितने पे बनना चाहिए बेटा, 33 पे बनना चाहिए, तो 33 पे देखो F बन रहा है, ये 3 और ये 3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बेटा, ठीक है, तो सही बात होगी। उसके बाद देखना बेटा 86 में क्या चाहिए, अगर 86 सेकंड पोजीशन पे है ना बेटा, तो सेकंड पोजीशन वाला ही लेटर देखोगे, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, I, तो 86 में क्या बनना चाहिए, I, तो 86 यहां पे बनेगा, ये 8 ये 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बेटा, तो ये बात भी क्या होगी, सही। उसके बाद है 88 पे क्या बनना चाहिए बेटा, S बनना चाहिए, और 88 कितने पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, तो थर्ड पोजीशन पर थर्ड नंबर ही देखेंगे, तो 88 पे क्या चाहिए, S, ये 8 और ये 8 दोनों को मिलाकर S बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक बात है, तो ये बात भी क्या होगी, सही होगी। फिर मेरे लिए बचा हुआ 41, तो 41 पे क्या चाहिए मुझे, लास्ट है तो लास्ट देखेंगे H, तो भाई ये 4 ये 1 दोनों को मिलाकर 41 बन गया, बिल्कुल H है, हां बिल्कुल है सर, तो ये क्या हो गया भाई, ये भी सही हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया, हमें हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया, डन, चलो समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। अगर मैं सी लेके चलता हूं बेटा, देखना सी का फर्स्ट नंबर क्या है, 33, तो इसका भी 33 था, हमें पता ही है हमारा आंसर आ चुका है, मान लिया नहीं करते, मुझे थोड़ी पता है कि बी में आंसर, शायद मैं पहले डी करता हूं, शायद मैं पहले ए करूं या फिर पहले सी करूं, ठीक है। तो हमने यहां पर तो पहले चेक कर लिया कि 33 पे है, इसमें बनेगा, यहां पर फिर 88 है, तो 88 पे क्या चाहिए, आई, देखना 88 पर आई है नहीं है, तो ये मेरा मतलब सी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, हमें पता कर रहा हूं कि सी क्यों सही नहीं हुआ, तो सी में 88 पर आई नहीं बन रहा है, इसी वजह से सी रॉन्ग हो गया। डी में पता करते हैं कि कौन सा नंबर है जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं बन पाया, तो 0 2 पे क्या चाहिए बेटा, एफ, तो ये 0 ये 2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 67 पे क्या चाहिए बेटा, I, तो भाई ये 6 ये 7 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बेटा। 34 पे क्या चाहिए बेटा, S, तो भाई 34 ये 3 बेटा ये 4 बन रहा है, नहीं बन रहा। 34 पे क्या बेटा, H, और हमें क्या चाहिए, S, तो इसी वजह से D भी हमारा आंसर नहीं हो पाया, ठीक है, डन। अब इसको जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमेशा तो स्टार्टिंग करेंगे ना, तो लास्ट से करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, क्योंकि जो लास्ट में गलतियां क्या होती है, ज्यादा होती है, तो जब भी हम ऑप्शन को चेक करेंगे बेटा, कहां से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में से स्टार्टिंग करेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन ऐसा ही दे रहा हूं, ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ताकि बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है बेटा, कि नाइफ का कोड क्या होगा, नाइफ को कैसे लिखा जाएगा, तो देखना नाइफ में भी कितने लेटर है बेटा, 4 लेटर है, ध्यान रखना बेटा, इसकी जो स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट की केवल लास्ट लाइन देखनी है, लास्ट के लाइन में आपको एक वर्ड मिलेगा, वो वर्ड चेक करना है, वो वर्ड जो भी मिले, लाइक यहां पर मैंने क्या लिया, जैसे नाइफ लिया है, सामने क्या होंगे, दो मैट्रिक्स होंगे, ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है, ये सारी की सारी चीजें आपको स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है, हमें आंसर निकालना है वो भी 2-3 सेकंड में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, जो भी वर्ड है ना, उस वर्ड का जो लास्ट लेटर है ना, मतलब हमें स्टार्टिंग करनी है चेक ना, तो उस कैसे चेक करना है बेटा, लेटर्स का कोड के लिए लास्ट से चेकिंग करनी है, तो यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो ई के लिए देखो सभी में 43 है ना, तो सीधी सी बात है, ये तो सही होगी। फिर देखना एफ है, तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 32, यहाँ पे 31 है, दो में 32 है, दो में 31 है, मतलब दो सही है, एक दो गलत हो जाएंगे, चेक करते हैं। मैं पहले मान लेता हूँ 32 चेक करता हूँ, 32 के ऊपर देखना F है क्या, ये 3 ये 2 बिल्कुल है, तो मतलब मेरे ये दो
कैंसिल हो गए, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। अब बचा क्या है, ए और बी में से। अब यहां पर क्या है 41, यहां पर क्या है 30। अब चेक करते हैं, 30 चेक किया, ये 3 ये 0, 30 में क्या है आई बन रहा है, हमें क्या चाहिए आई। 41 देख ले बेटा, ये 4 है ये 1 है, यहां पर क्या है एच, तो 41 क्या हो गया बेटा रॉन्ग हो गया, मतलब मेरा ये भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या है, जब ना तो सी वन ना डी वन ना बी वन, बचा क्या है ए, तो ए के लिए 95 भी अगर आपको चेक करना है वो भी चेक कर सकते हो, क्योंकि बाकी 3 गलत हो गए, देख तो सही मिलेगा। तो 95 में क्या चाहिए एन चाहिए, तो ये 9 ये 5 तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो आंसर क्या होगा बेटा ए। ठीक है, आपने स्टार्टिंग कहां से करनी है बेटा, चेक करने के लिए लास्ट के लेटर से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि जो एरर मिलेगी ना 99.9% बेटा लास्ट से मिलती है, ध्यान रखना इस बात का। स्टार्टिंग आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा बेटा जल्दी करने के लिए क्या करना, आपने लास्ट के लेटर से स्टार्टिंग करनी है बस। नंबर्स कैसे बनाने ध्यान रखना, उल्टा एल करके नंबर बनाने, ठीक है। यहां पर जो भी लेटर है मान लिया, जैसे मैं कहूं 12 के ऊपर ई है, चेक करो 12 ये रहा, 12 बन रहा है, ई बन रहा है, अगर 12 के ऊपर ई है तो सही बात है, अगर ये ई नहीं होती तो बात गलत है, मॉनसून फिर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। एक के शुरू दे रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मैट्रिक्स 1 है ये मैट्रिक्स 2 है, ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा हमारा ईस्ट, कि ईस्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो क्या करेंगे, मैंने अभी भी आपको बताया था कि स्टार्टिंग कहां से करेंगे बेटा, लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे। तो भाई 03 पे क्या चाहिए बेटा, टी बनना चाहिए, देखना 03 पे टी बन रहा है, अब बन रहा है। 21 पे क्या चाहिए बेटा एस चाहिए, ये 2 ये 1 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बेटा। 32 पे देख लेना बेटा ए, ये 3 ये 2 बन रहा है, नहीं बन रहा, आंसर क्या हो गया गलत हो गया। फिर देखना बेटा 04 पे टी बन रहा है क्या, ये 0 ये 4 बन रहा है, नहीं बन रहा, तो आंसर डन। सी पे चलते हैं बेटा, 11 पे क्या चाहिए टी चाहिए, देखना 11 पे टी है क्या, नहीं है, डन। देखो स्टार्टिंग में मिल रही है, मतलब लास्ट से जब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो पहले एरर मिल रही है, तो पहले स्टार्टिंग कहां से करनी है बेटा, लास्ट लेटर से, ठीक है, लास्ट लेटर से लास्ट नंबर से स्टार्टिंग करनी, ध्यान रखना इस बात का। तो फिर क्या बेटा 10, डी ऑप्शन पे आ गए बेटा, स्टार्टिंग में 3 गलत हो गए तो सीधी सी बात है क्या मिलेगा, सही मिलेगा, ठीक है, एग्जाम टाइम में हम इसको चेक नहीं करेंगे, लेकिन अब मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूं। 10 पे क्या चाहिए टी, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 14 पे बेटा एस, 1 4 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 12 पे बेटा ए, ये 1 ये 2 बन रहा है बेटा। 13 पे क्या चाहिए ए, ये 1 ये 3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा डी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड 2 में क्या है बेटा, हम बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है रोज, तो स्टार्ट करते हैं, देखना 32 पे बेटा क्या है ई, ये 3 ये 2 बन रहा है, बन रहा है। 02 पे देखना बेटा एस, 02 बन रहा है, बन रहा है बेटा। 75 पे देखना ओ, 75 बन रहा है, बन रहा है बेटा। 95 पे आर चाहिए, ये 9 है ये 5 है, बन रहा है, बन रहा है, तो आंसर हो गया बेटा, ठीक है, बाकी तीनों क्या होंगे रॉन्ग होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बेटा ये रहा सॉल्व को कैसे लिखा जाएगा, तो लास्ट लेटर क्या है ई, तो क्या देखेंगे ई के लिए बेटा, लास्ट का नंबर ही देखेंगे। 31 पे क्या चाहिए ई चाहिए, ये 3 है ये 1 है, ई है क्या, नहीं बेटा, तो ए ऑप्शन देखते गलत हो गया। बी पे चलते हैं, 44 पे क्या चाहिए ई चाहिए, ये 4 ये 4 ई है, बिल्कुल है बेटा। 66 पे क्या चाहिए बेटा एल चाहिए, ये 6 है ये 6 है, बिल्कुल है। 99 पे क्या चाहिए बेटा ओ चाहिए, ये 9 ये 9 है, बिल्कुल है बेटा। 33 पे क्या चाहिए बेटा एस चाहिए, ये 3 है ये 3 है, बिल्कुल है बेटा, तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा बी, ठीक है, हो जाएंगे सॉल्व। इसी प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है सॉल्व, और इनके जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हां बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करोगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन 4 और 5 आपका क्या है, टाइप 7 का होमवर्क है। टाइप 7 का बेटा क्वेश्चन 4 और 5 के आपका होमवर्क है, और इनके रिप्लाई आप मुझे कमेंट बेटा कमेंट सेक्शन में जाके दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके बेटा।